अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को सौरभ ने भेजा है, गया से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ए मैन कैरिंग ए मंकी ऑन हिज शोल्डर डज साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 9 मीटर एंड कंप्लीट 120 रिवोल्यूशन इन 3 मिनट। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मंकी इज। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको शायद ये डाउट जरूर रहा होगा कि मंकी तो जो है आदमी के कंधे पर है और मंकी तो मूव कर ही नहीं रहा है। मूव कौन कर रहा है? पर्सन मूव कर रहा है। साइक्लिंग कौन कर रहा है? पर्सन मूव कर रहा है। तो मंकी तो शोल्डर पर है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? शायद हो सकता है ये डाउट रहा हो आपका। अगर ये डाउट है रहा तो भी इसको सॉल्व कर लेंगे, और अगर ये वैसे भी सॉल्व नहीं हो रहा तो भी सॉल्व होगा। देखो कैसे भाई, हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। कितना होता है? वी स्क्वायर बाई आर। चूंकि ये जो मैन है मंकी को अपने शोल्डर पर बिठा रखा है और साइकिलिंग कर रहा है, साइकिलिंग करते वक्त एक सर्कल में जो है घूम रहा है, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है जी? 9 मीटर, ठीक है। और ये कितने रिवोल्यूशन करता है? 120 रिवोल्यूशन करता है 3 मिनट में, यानी कि 3 मिनट में ये 120 चक्कर लगा लेता है। 3 मिनट में ये कितने चक्कर लगा लेगा? 120 चक्कर। लेट से यहां से स्टार्ट किया, इसने पहला चक्कर ऐसे घूम करके ऐसे लगा दिया, पहले मिनट फिर ऐसे लगा दिया, फिर घूमता रहेगा ऐसे करके जो है मंकी को ये घुमाता रहेगा। तो अब ये जब आदमी घूमेगा तो मंकी इसके शोल्डर पर है, तो मंकी भी तो घूम रहा है भाई। जब मान लो मैं घूम रहा हूं तो मान लो ये मंकी मेरे कंधे पर है, मैं मूव कर रहा हूं तो मंकी भी मूव करेगा, मैं मूव कर रहा हूं तो मंकी भी मूव कर रहा है। इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेरा होगा वही जो है मंकी का हो जाएगा। तो यहां पर जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे 3 मिनट में इसने 120 रिवोल्यूशन किए तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां पर 120 रिवॉल्यूशन निकालने के लिए तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक चक्कर में 2πr, एक चक्कर में 2πr, और कितने रिवॉल्यूशन किए हैं इसने? 120 रिवॉल्यूशन किए हैं, है ना। तो 2πr एक चक्कर में, 120 टोटल, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा? 3 मिनट। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 × 60। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 उड़ गया, 6 × 2 = 12, ठीक है जी। आर की जगह 9 रखेंगे, 3 × 3 = 9, तो यहां कितना आ गया? 4 × 3 = 12, 12 π। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको समझ में आया, ये 12 π आ गया। 6 × 2 = 12, 3 × 3 = 9, और 2 × 4 = 12, 12 π। तो वेलोसिटी आ गई 12 π, ठीक है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप क्या करोगे, वी स्क्वायर बाई आर है, यानी कि 12π × 12π, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर कितना है? आर है आपका 9 मीटर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 × 9 = 3 × 12, है ना, 3 × 12, सॉरी 3 × 3, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, तो 4 × 16 16π² ये आपको मिल गया। तो 16π² ये हो गया, ठीक है जी। अब मुझे ऐसा लग रहा है इस सवाल के अंदर कहीं ना कहीं आपका ये डाउट जरूर रहा होगा कि जी वेलोसिटी 0 क्यों नहीं हुई, ठीक है। मैं जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है ये भी डाउट जरूर रहा होगा कि ये वेलोसिटी 0 क्यों नहीं जी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब चूंकि इसकी जो वेलोसिटी है, जब ये कॉन्स्टेंट उसमें चल रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जब लास्ट में यहां पर पहुंचेगा 120 चक्कर लगा के, तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है। तो इस केस में इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 क्यों नहीं हुई, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी 0 क्यों नहीं, यानी कि इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड, अगर हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें, ध्यान से समझना इस बात को, हो सकता है यह डाउट जरूर रहा हो। वेलोसिटी दो चीजों से बनी है, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। तो मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड इसका कितना है जी? वो स्पीड की तरह काम करेगा। मैग्नीट्यूड किसकी तरह काम करेगा? स्पीड की तरह। डायरेक्शन तो आपको पता ही है। तो वेलोसिटी में दो कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में आपकी स्पीड क्या होती है? वो 0 नहीं होती।
स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसीलिए मैंने यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा था, बाद में इसको ये बोल रहा था वेलोसिटी। अगर मैं इसको बोलूं तो स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अदरवाइज तो चूंकि वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर चेंज होगी, यहां डायरेक्शन अलग है, यहां डायरेक्शन अलग है, यहां डायरेक्शन अलग है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो यहां पर बेसिकली मैंने क्या निकाली है, स्पीड निकाली है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी v का स्क्वायर अपॉन में r, तो वो हम देख रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, अगर हम देखें लेट्स से यहां डायरेक्शन है इस पॉइंट पर, तो ये एक तरह से वेलोसिटी बन गई, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो हमने यहां निकाला था 12 pi। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 pi, तो 12 pi × 12 pi ऐसे कर लिया। एक और तरीके से आप इसको कर सकते हो, वैसे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब हम पढ़ते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आर भी कर लेते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स होते, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो आप क्या करते हैं, यहां पर ओमेगा निकाल लेते हैं, क्योंकि ओमेगा तो जीरो नहीं होगा, नो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ओमेगा जीरो नहीं होगा, तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 pi n / t। ओमेगा क्या होता है, 2 pi n / t। यहां पर एक आर आपको यहां मिल गया, ठीक है। और इसका क्या करोगे, आप स्क्वायर करोगे, आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपको यहां पर जो है आंसर मिल जाएगा। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, ठीक है जी। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 2 pi n, कितने, 2 pi n / t ओमेगा आ गया, इसका स्क्वायर करोगे इंटू आर, इसको सॉल्व करोगे तब भी आपके पास आंसर सेम आने वाला है। करके देख सकते हैं तो कर लेते हैं, यहां पर कितना हो गया जी, 4 pi² × n की वैल्यू कितनी है, 120, तो 120 × 120, ठीक है जी। टाइम कितना है, 3 मिनट, तो 3 × 3 × 60 × 60, बेसिकली स्क्वायर करके हम कर रहे हैं, और आर की वैल्यू है 9। इसको आप सॉल्व कर लो, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ जाएंगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 6 × 12, यहां पर भी 6 × 12, ठीक है। अब क्या आ गया, 3 × 9, ये उड़ गया, तो 2 × 4 × 16, तो 16 pi² ऐसे समझ लो, क्योंकि यहां पर हो सकता है कंफ्यूजन हो, वेलोसिटी हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जीरो होना चाहिए था तो जीरो क्यों नहीं लगाया, तो यहां पर ऐसे भी समझ सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा तो जीरो नहीं होता सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दौरान, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, तो यहां पर इस तरह से भी आप समझ सकते हो। देयर आर टू वेज, आप कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, मतलब बात बराबर ही है ना। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आपका रहा होगा वो कॉन्सेप्ट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर इसके बावजूद भी कोई कॉन्सेप्ट है तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो में कमेंट करना है, या फिर अपना डाउट आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, पिडजी में, वीएमसी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो, आपका डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।